शहर में हो रहे देह व्यापार का सतना की नाबालिग लड़की ने किया पर्दाफाश। सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोकनाथपुरम में किराए के मकान में रहकर शयन दंपति देह व्यापार में लगा था। सतना से जबरन कार में बैठाकर एक नाबालिग लड़की को होटल में काम दिलाने के बहाने छतापुर निवासी मुकेश सैन और उसकी पत्नी राखी सैन छतापुर ले आई थी। करीब 6 दिनों तक बंधक बनाकर नाबालिग को रखने के साथ ही उसे देह व्यापार में कदम रखने के लिए मजबूर कर रही थी। लड़के इस घिनौने काम में कदम नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वह खुद को बचाने का प्रयास करने लगी। जैसे ही मौका मिला वैसे ही वह घर से भाग निकली और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस में शिकायत की। सूचना मिलने पर निर्भया डायल 100 और सिविल लाइन TI विनायक शुक्ला मौके पर पहुंची। लड़के के बयान लेकर घर में मौजूद राकेश सैन और उसके मकान मालिक रामलाल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना का मुख्य सूत्रधार मुकेश सैन मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हाँ, क्या बताओ क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? मुझे सतना से पकड़ के लाए थे ये लोग जबरदस्ती कार में, यहाँ मुझे छतरपुर में रोके थे काम करवाने को, मतलब गलत काम करवाने को। तो 6 दिन हो गया मुझे बंद करे थे, आज मैं वहाँ से निकली तो पुलिस को फोन लगाई। हाँ। जी, कौन लोग बंधक बनाए थे? ये मुकेश और राखी। क्या क्या कर लाए थे, क्यों लाए थे? गलत, मुझे पता नहीं था किस काम के लाने, फिर पता चला इन लोग ये सब काम करवाते हैं। क्या क्या कर लाए थे? बोलते हैं वहाँ पर रुकना है, तुमको रुकना, काम करना। पूछे कौन सा काम पहले बताइए, सब परी वेटर वाला। फिर जब देखी लोग इस तरह काम करते तो मैं उधर से भागी। बंधक बना लिया था तुमको? जी, आने नहीं दे रहे थे, मेरा फोन स्विच ऑफ कर देते रहे, बोलते रहे नहीं जाओगी अपने सतना तुम। कितने दिन से तुम्हें? 6 दिन हो गया, 7वां दिन है। तो डस्टबिन होती है जिसमें कचरा रहता है, उसके बहाने में निकली। मैं बोली कचरा फेंक के आ रही हूँ। फिर मैं भागी तो उधर बहुत सारे घर थे अगल बगल, तो वहाँ मैं खड़ी हो गई आके, तो आंटी लोग बहुत सारी खड़ी थी। बोली कैसे खड़ी हो आप? हम बोले आंटी मुझे ये बेड़ा था। फिर वहाँ आंटी लोग अपने घर में मुझे बैठा ली, फिर पुलिस को फोन लगा दी। फिर मुकेश आया मुझे बुलाने, तो मुकेश फिर भाग गया, जहाँ बोली पुलिस को बुलाओ तो भाग गया वो। फिर हालांकि अंदर थी, फिर अंदर पुलिस गई तो उनको उठा लाई। पुलिस ने चंगल से छुड़वा दिया है। जी सर, किस तरह की ये घटना थी और कैसे लड़की बंधक बनी हुई थी, क्या गलत काम करवाया जा रहा था? एक बच्ची है सतना की, संभवतः नाबालिग, 17 वर्ष की उम्र बता रही है। उसको वहाँ से मुकेश सैन और उसकी पत्नी अगवा कर जबरदस्ती ले आए थे किसी काम का बहाना, प्रलोभन देकर यहाँ उससे देह व्यापार कराने के कह रहे थे। तो वो राजी नहीं हो रही थी, 4-5 दिन से कमरे में बंद किए थे। आज वो कमरे से किसी दिन निकल के बाहर निकली, फिर उसने 100 नंबर लगाया, 100 नंबर पहुँची, फिर वहाँ सूचना आई तो हमारे थाने की पुलिस गई, तो वहाँ पे पता चला। फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि मकान मालिक जो है वो इसमें मिला हुआ है। इससे कई बार मोहल्ले वालों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। अच्छा, मकान मालिक के द्वारा आज तक कोई किराएदार की सूचना भी नहीं दी गई थाने में, और उसके संदिग्ध गतिविधियाँ काफ़ी लंबे समय से करीब 1 महीना संचालित थी। इसमें बच्ची की रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, मुकेश सैन उसकी पत्नी मकान मालिक के विरुद्ध। सर, क्या और ऐसे भी कई मामले यहाँ छतरपुर में चलते हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके लिए अलग मानव दुर्व्यापार इकाई अपने जिले में नया वाहन भी प्राप्त हुआ है, उसमें चतुर्वेदी मैडम सब इंस्पेक्टर हैं, लगातार उनके विरुद्ध छापामार कार्रवाई जारी रहेगी।